बेसिक शिक्षा विभाग बलिया के कर्मचारी और शिक्षक नेता जितेंद्र सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें डीसी को धमकी और घर में घुसने की बातें कही जा रही हैं। आपको बता दें कि नेता बीएसएस शिक्षा मित्र का एक दिन पेमेंट कटने से नाराज थे और सामने न आने की बात कह दी। डीसी पद पर तैनात नूरुल हड्डा और शिक्षक नेता जितेंद्र सिंह वायरल ऑडियो बताया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं ये ऑडियो। सर समय से नहीं मतलब होता है ना भाई, सर जब करेंगे तभी होगा, ऐसे थोड़े हो जाएगा। तो अन्य लोगों का हुआ तो उसी में करा दिया गया होगा, पेपर आप ही के पास था ना? उनका नहीं हुआ है क्या? अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा चलिए, तो उसको दिखवा ले रहे हैं। दिखवा मत लीजिए, सोमवार को आए तो करा दीजिएगा। मेरा हाथ जोड़ करके आपसे विनती है, जान लीजिए अब। चलिए मैं देख ले रहा हूँ उसको। हमारी इस तरह की स्थितियों से बड़ा कष्ट हो रहा है, जान लीजिए अब। नहीं कष्ट की उसमें देखिए, जब अगर बीएसए की स्तर से निरीक्षण, बीएसए अब देखिए, दिमाग मत खराब करिए। मैं नहीं चाहता हूँ कुछ कहूँ, उसको सम्मान कहने के लिए स्वतंत्र है, कोई मना थोड़े कर सकता है। ये मना कर देंगे, हम पे आ जाएंगे, मना हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। मत करिए हमको, मत करिए हमको। आपसे डरे हुए हैं, ऐसी बात आप कर रहे हैं। घर पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये बताइए। हम घर पे आएंगे तो बताएंगे कि किन कारणों से छूट गया। जब सबका हो रहा है, आप दो महीने बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात करिए ना, इसमें हमसे क्या बात करें, क्यों नहीं हुआ है सर, जवाब देंगे। हम बेसिक से ही बात करेंगे, उनको बैठने दीजिए। और दूसरी चीज आपको बता रहा हूँ, जब भी मैं बेसिक के साथ बैठू, आप तब भी मत बैठिए। आप ये कहने से थोड़े, मैं आप कौन होते हैं हमको निर्देशित करने वाले? ठीक है निर्देशित करने वाले ये बनते हैं। तुम बैठ जाना और अपनी हाथ से देख लेना। हाँ तो तुम भी अपना हाथ से देख लेना, बेतरीजी वाली बात मत करिए। ठीक है, मत होइए। तुम्हारी आवाज पर ही आ जा रहा हूँ, तुम कहाँ हो बताओ, मैं आ जा रहा हूँ। मैं आवाज से ही हूँ, आ जाओ देख लेते हैं। आ जाओ, आ रहा हूँ, आ जाओ, आ रहा हूँ। तुम्हारी हैसियत समझा दे रहा हूँ, आ जाओ, अपनी हैसियत समझो, फालतू बात मत करिए। ठीक है फालतू बात मत करिए। कौन है? अपने उसमें रहिए, आइए आवाज से। आ रहा हूँ, आ जाओ। सर समय से नहीं मतलब होता है ना भाई, सर जब करेंगे तभी होगा, ऐसे थोड़े हो जाएगा। तो अन्य लोगों का हुआ तो उसी में करा दिया गया होगा, पेपर आप ही के पास था ना? उनका नहीं हुआ है क्या? अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा चलिए, तो उसको दिखवा ले रहे हैं। दिखवा मत लीजिए, सोमवार को आए तो करा दीजिएगा। मेरा हाथ जोड़ करके आपसे विनती है, जान लीजिए अब। चलिए मैं देख ले रहा हूँ उसको। हमारी इस तरह की स्थितियों से बड़ा कष्ट हो रहा है, जान लीजिए अब। नहीं कष्ट की उसमें देखिए, जब अगर बीएसए की स्तर से निरीक्षण, बीएसए अब देखिए, दिमाग मत खराब करिए। मैं नहीं चाहता हूँ कुछ कहूँ, उसको सम्मान कहने के लिए स्वतंत्र है, कोई मना थोड़े कर सकता है। ये मना कर देंगे, हम घर पे आ जाएंगे, मना हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। मत करिए हमको, मत करिए हमको। आपसे डरे हुए हैं, ऐसी बात आप कर रहे हैं। घर पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये बताइए। हम घर पे आएंगे तो बताएंगे कि किन कारणों से छूट गया। जब सबका हो रहा है, आप दो महीने बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात करिए ना, इसमें हमसे क्या बात करें, क्यों नहीं हुआ है सर, जवाब देंगे। हम बेसिक से ही बात करेंगे, उनको बैठने दीजिए। और दूसरी चीज आपको बता रहा हूँ, जब भी मैं बेसिक के साथ बैठू, आप तब भी मत बैठिए। आप ये कहने से थोड़े, मैं आप कौन होते हैं हमको निर्देशित करने वाले? ठीक है निर्देशित करने वाले ये बनते हैं। तुम बैठ जाना और अपनी हाथ से देख लेना। हाँ तो तुम भी अपना हाथ से देख लेना, बेतरीजी वाली बात मत करिए। ठीक है मत होइए। तुम्हारी आवाज पर ही आ जा रहा हूँ, तुम कहाँ हो बताओ, मैं आ जा रहा हूँ। मैं आवाज से ही हूँ, आ जाओ देख लेते हैं। आ जाओ, आ रहा हूँ, आ जाओ, आ रहा हूँ। तुम्हारी हैसियत समझा दे रहा हूँ, आ जाओ, अपनी हैसियत।